बैक वाटर सब है, लेकिन ये भी हो रहा है केरला में। और ये शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी है, उसकी फ्रेंड्स की कहानी है, ऐसी बहुत सारी लड़कियों की कहानी है जो ब्रेन वॉश होके या ड्रग होके, बाय द वे कुछ लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है जो इजिली गलेबल है, जो ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता उनको ड्रग किया जाता है और फिर कन्विंस किया जाता है इंडॉक्ट्रिनेशन से, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है उनकी मर्जी के खिलाफ, प्यार के धोखे में फंसाते हैं उनको क्योंकि वो लड़कों को पैसे मिलते हैं ये करने के लिए। तो आई डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उसकी मॉम के आंखों में दर्द, या वो लड़की ने मुझे जब अपनी पूरी कहानी नरेट उसने किया था, एंड शी इज रिटन अ बुक ऑल्सो, तो मैंने उसका पूरा बुक पढ़ा एंड बुक में डिटेल में लिखा है कि वो उसको फंसाया कैसे गया, स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे इतना इजीली कौन फंस सकता है, आप एडुकेटेड नहीं है क्या? ऑफ कोर्स एडुकेशन पर एडुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है। वो ड्रग यूज कर करके ना वो आई डोंट नो इफ आई कैन से द नेम ऑफ द ड्रग, इट्स अ केमिकल माइंड ऑल्टरिंग ड्रग, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रग जहाँ पे आप बहुत फ्री हो जाते हो। अगर आपको कोई वायलेंट चीज करनी है ना, आपको गन के साथ लाइक बहुत लोगों को मारना है, तो वो ड्रग के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाती है और आपको ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान होता है। इट्स अ वेरी स्केरी थिंग। और कभी कभी वो लड़कियां फिर वो ड्रग अब्यूज कर करके वो बिलीव करती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द गर्ल्स। आई हैव ऑल्सो मेट द गर्ल्स जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने जो वापस आई हैं, बहुत पॉजिटिव लड़कियों से मिली हूँ, एंड कितनी डेयरिंग, लाइक एक जो हमारी श्रुति है जिसकी टेस्टिमोनियल्स है जो वो न्यूज चैनल्स पे अभी भी आ रही है, लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं डेयरिंग हूँ ये फिल्म करने के लिए, पर यू नो आई थिंक शी इज सो ब्रेव बिकॉज वो अपनी रियल लाइफ की खुद की कहानी बता रही है सबके सामने। आई थिंक वो बहुत कूल है, और उसके जैसे बहुत सारे और लड़कियां हैं, 5-6 जो आई थिंक आज वो इंटरव्यू रिलीज हुआ उनका, तो आप उनसे बात करोगे तो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगेगा बिकॉज दे हैव टच दैट एंड कम बैक। तो वो लड़कियों से भी मेरी